नमस्कार आदाब, मैं हाजिर हूँ सलमान आरफी अपने चैनल ज्ञानवीर सलमान में आपके सामने। और आज लेकर आए हैं हम अपने साथियों के लिए यूपी टेट और सी टेट और इसके अलावा जो हमारा सुपर टेट की परीक्षा है उसमें जो हमारा गणित का जो प्रश्न आते हैं, गणित का जो भाग आता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आज शुरुआत कर रहे हैं नई सीरीज की। और ये सीरीज संबंधित है गणित के भाग से, जो हमारा गणित का जो चैप्टर आता है यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट में, उसके लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आज का जो चैप्टर है हमारा वो गणित में है, और गणित में शुरुआत कर रहे हैं हम एक एक नियम से। देखिए साथियों, एक एक नियम, ऊपर लिख रहा हूं गणित की पाठशाला, गणित की पाठशाला। गणित की पाठशाला है, ये गणित की सीरीज शुरू की जा रही है आपसे, और ये हमारे उन सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं गणित में कुछ कमज़ोर हैं, या फिर उन सभी DL Ed और BTC के बच्चों के लिए जो अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट के बच्चों के लिए, साथियों के लिए। तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं एक एक नियम से। आखिर एक एक नियम है क्या? तो दोस्तों एक एक नियम में जो बेस चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि आप मान लीजिए बाजार में गए संतरे लेने के लिए, तो आप जाहिर सी बात उससे पूछेंगे भाई संतरे क्या रेट दिए हैं आपने, इसका भाव क्या है, मूल्य क्या है। तो वो कहेगा कि संतरे जो है साहब 30 रुपये किलो है, या 40 रुपये किलो है, या 25 रुपये किलो है मान लीजिए। तो किसी चीज़ का अगर बेस प्राइस आपको दिया जाता है और उसके मतलब कॉन्टेक्स्ट में रखकर उसको आपसे पूछ रहा है कि एक किलो संतरे जो है 25 रुपये के हैं, तो आप 3 किलो संतरे का मूल्य बताइएगा, मतलब बेस प्राइस को देखते हुए उससे अधिक का मूल्य पूछा जा रहा है। या आपसे कह दिया जाए कि संतरे 5 किलो जो हैं 150 रुपये के हैं, और फिर आपसे कहा जाए बताइए 1 किलो कितने के हैं, यानी कि आपको अधिक का मूल्य दिया गया है और कम का पूछा जा रहा है, या कम मूल्य दिया गया हो और अधिक का पूछा जाए। या दूसरा सुनिएगा, आपसे कहा गया है एक रेलगाड़ी की चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कम दिया गया हो, ज़्यादा पूछा जा रहा हो, या कोई चीज़ कोई वस्तु ज़्यादा दी गई हो और उसका कम का भाव पूछा जा रहा हो, मूल्य पूछा जा रहा हो, तो ये जो प्रश्न आपके सामने आएंगे, ये जो प्रश्न का जो एक चैप्टर है इसको रखा गया है एक एक नियम के अंतर्गत। तो एक एक नियम को हम पढ़ेंगे कि आखिर ये इसके प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। आमतौर पर हम लोग, हमारी जो महिला साथी हैं शिक्षा मित्र साथी भी, वो इसमें थोड़ा मार खा जाती हैं, तो उनके लिए बहुत सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल सी ट्रिक नहीं बल्कि मेथड है, मगर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से आ जाए। देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है मतलब वस्तु है कोई, मैं लिख रहा हूँ एक वस्तु का मूल्य, प्रश्न है ये गणित का, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है, इसलिए 1 किलोग्राम का मूल्य दे रखा है उस वस्तु का, वस्तु कोई भी हो सकती है। अब ये कह रहा है ऐसी ही 5 किलोग्राम का मूल्य आप बताइए, तो उस वस्तु के 5 किलो मात्रा का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 50 किलो, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, वो कह रहा है 5 किलो का मूल्य बताइए। मैं आपको बोला था बेस प्राइस के, देखिए कम का मूल्य दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है,
दोस्तों सिंपल तरीका है इसका, गणित में बहुत आसान तरीका है, आप गुणा कर देंगे डायरेक्ट भाई, ठीक है। तो 1 किलो 50 का है तो 5 किलो तो होगा 50 × 5 बराबर 250 रुपये का होगा। ये सिंपल तरीका आपको बता दिया, 1 किलो 50 का है तो 5 किलो क्या आपने ये करा गुणा कर दिया डायरेक्ट आगे निकल के। अब इसके विपरीत मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, दोस्तों यहां पर 1 किलो का मूल्य दे रखा था और आपसे 5 किलो का पूछा तो आपने डायरेक्ट उसको गुणा कर दिया, 50 से 5 का 250 रुपये आ गए, ठीक है। मगर मैं यहां पर आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, मैंने आपको 1 किलो का मूल्य दे रखा है और आपसे 5 किलो पूछा है, बट मैं अगर आपसे कहूँ एक वस्तु की 3 किलो की मात्रा, 3 किलोग्राम मात्रा 150 रुपये की है, 150 रुपये की है, उस वस्तु का 5 किलो मात्रा का मूल्य क्या होगा? यहाँ पे देखना है तो वहाँ पे आपको 1 किलो जो बेस्ट प्राइस होता वो दिया होता, यहाँ को बेस्ट प्राइस नहीं दे रखा, यहाँ पे पहले भी 3 किलो दे रखा है फिर 5 किलो पूछ रहा है, यानी कि पहले आप 3 किलो से जो मात्रा 3 किलो जो मात्रा 150 रुपये की है, पहले आप यहाँ पर उसको निकालेंगे 1 किलो कितने की होगी, जाहिर सी बात है आप कहेंगे 150 × 3 बराबर 50 रुपये किलोग्राम है ना, पहले आप 1 किलो जो मात्रा है 1 किलोग्राम वो कितने का है 50 रुपये का, पहले आप इसका बेस प्राइस निकालेंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे आप दोबारा ये करेंगे तो 50 किलो मात्रा कितने की होगी, आपका बेस प्राइस आ गया 5 किलो, 5 किलो मात्रा कितनी होगी, ये होगी 250 रुपये की। प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया, पहले आपने 1 किलो का निकाला, 3 किलो से आपने जो भाग किया 3 से 150 को, पहले आपने 1 किलो की मात्रा 1 किलो मात्रा का मूल्य था वो निकाला, फिर जब वो 1 किलो यानी बेस प्राइस निकल कर आ गया फिर आपने उसको 50 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा किया तो आपको 5 किलो का मूल्य प्राप्त हो गया। मगर यह भी एक शॉर्ट तरीका ये है, डायरेक्ट जितना हमको करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैसे करना है, इसमें आपको बेस प्राइस जो है नहीं निकालना है, तो अगर सिंपल तरीका है यहाँ पर लिखिए मात्रा, एक तरफ लिख लीजिएगा मात्रा, दूसरी तरफ लिख लीजिए मूल्य, मात्रा की 3 किलो पहले इसको लिख लीजिएगा और मूल्य था इसका 150 रुपये, बहुत ही सिंपल है, इधर मात्रा लिख लीजिए इधर मूल्य लिख लीजिए, मात्रा 3 किलो थी मूल्य था 150 रुपये। अब कह रहा है कि मात्रा जो है 5 किलो है तो मूल्य कितना होगा, तो कितने को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो सर जो भी मूल्य होगा एक्स होगा, कितना होगा एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपने कभी कक्षा 7 में 6 में कभी बहुत पहले एक नियम को इस तरीके से पढ़ा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक थी, कि आप इसको यहाँ देखिएगा कि जब 3 किलो 150 रुपये का है तो जाहिर सी बात है 5 किलो मित्रों ज़्यादा का होगा दोस्तों या कम का होगा, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जब 3 किलो 150 का है तो 5 किलो 100% ज़्यादा का होगा, 5 किलो जो मात्रा है उसका मूल्य ज़्यादा होगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें निशान लगाना है, तीर लगाना है 3 में 5 में, हमने निकाला कि 3 का मूल्य 150 है तो 5 का मूल्य ज़्यादा होगा, कितना होगा ज़्यादा, तो हमको यह देखना है इनमें दोनों में ज़्यादा कौन है, इन दोनों में ज़्यादा 5 है, तो हम 5 की तरफ को निशान तीर लगा देंगे, यानी 3 का मूल्य 150 रुपये है तो 5 का मूल्य कितना आया ज़्यादा, जब ज़्यादा शब्द आ गया तो हम ये देखेंगे कि इसमें ज़्यादा कौन है, इसमें ज़्यादा 5 है। अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकाल देना है मूल्य एक्स बराबर, सीधा ऊपर यहाँ इसको ऊपर रखते हैं गुणा, जो ज़्यादा आया ना उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रख देंगे 3
यानी x को तो निकालना है हमें मूल्य, x को मैंने रख लिया और जो ज़्यादा आया था तो उसको ऊपर रख लिया, और जो x के ऊपर की संख्या थी उसको ऊपर रख ली, और बाकी तीन का जो नीचे आया था वो कहाँ पहुँच गया, नीचे। काटते हैं इसको, डायरेक्ट गुणा करेंगे, तीन पंजे पंद्रह, यह आ गया हमारा 250 रुपये। सिंपल है, डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना, देख लीजिएगा। अगर हमें बेस प्राइस नहीं दे रखा है और थोड़ा इसको हम बढ़ाएंगे, अभी ये सबसे आसान सवाल मैंने आपको दिया था, तो थोड़ा भारी भी करेंगे, देखते हैं। वो चाय स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न बनाते हैं, 100 बल्लों का मूल्य मान लीजिए 5000 है, मूल्य 5000 है, कितना मूल्य भाई, 100 बल्लों का मूल्य कितना है, 5000। अब प्रश्न ये कह रहा है 25 बल्लों का मूल्य क्या होगा भाई, 100 बल्लों का मूल्य दे रखा है 5000, 25 बल्लों का मूल्य पूछ रहा है, आपको इसमें कोई बेस्ट प्राइस दे नहीं रखा, यानी अगर एक बल्ले का मूल्य आपको दे रखा होता, एक बल्ले का मूल्य, तो आप क्या करते, 25 से गुणा करते, डायरेक्ट कर लेते, या फिर तरीका यही है कि यहाँ से 100 से भाग करो 5000 को, एक बल्ले का मूल्य निकालो, और एक बल्ले का मूल्य जब आ जाए फिर 25 से उसको गुणा करो, तब आप 25 बल्लों का मूल्य निकाल पाएंगे। मगर जो सिंपल तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखिए बल्ले, बल्लों की मात्रा, उत्तर लिख लीजिए इसका, बल्लों की मात्रा, और यहाँ लिख लीजिएगा मूल्य। भैया 100 बल्ले कितने के हैं, 100 बल्ले 5000 के हैं, और 25 बल्ले कितने के होंगे, राइट बात है, एक्स को मान लेते हैं, एक दिन यहाँ पर ही करो जाता है, 100 बल्ले 5000 के हैं, 25 बल्ले ज़्यादा के होंगे या कम के होंगे बताइएगा, तो सिंपल बात है, सोच रहे होंगे आप, हम इसको थोड़ा अनुमान लगाने के, 100 बल्ले ज़्यादा के हैं तो 25 बल्ले तो कम पैसों के होंगे या ज़्यादा के होंगे, कम पैसों के होंगे, 100 बल्ले जो है हमारे कम पैसों के होंगे, तो ये कम की तरफ को निशान लगा दिया हमने, 100 बल्लों का मूल्य कम, 100 बल्लों के मुकाबले 25 बल्लों का मूल्य है वो कम होगा, एक शब्द आया कम, तो कम जब शब्द आ गया तो इसमें देखेंगे कम क्या है, इसमें कम जो 25 है, तो 25 की तरफ को हमने निशान लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स को यहाँ रखना है, इस 25 को ऊपर लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 5000 को ऊपर लिख देंगे और बटे में लिख देंगे 100, ये 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है, क्या होता है भाई, 50 गुणा 25 मल्टीप्लाई किया 125, 125 और 0 लगा दिया, कितना हो गया 1250, यानी 25 बल्ले जो हैं वो 1250 रुपये के होंगे। सिंपल है, बता दीजिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें एक एक नियम सीख रहे हैं हम, तो ये आखिर होता कैसे है, डायरेक्ट बेस्ट प्राइस निकालने की कोई आवश्यकता इसमें आपको नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हमको। मान लीजिए एक रेल गाड़ी 5 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है, कितना आती है, 150 किलोमीटर जाती है। अब वो प्रश्न ये कह रहा है कि वो रेलगाड़ी 7 घंटे में कितना जाएगी या 8 घंटे में कितना जाएगी, तब वह रेलगाड़ी 7 घंटे में
कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी, यह है प्रश्न। अब आप तरीका तो दूसरा वह यह है कि आप पहले बेस जो टाइम है हमारा निकालिए कि 5 घंटे में जब 150 गई है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तब आप उस 7 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 स्टेप में सवाल आ गया, मगर मैं आपको सिखा रहा हूँ 1 स्टेप में कैसे करना है। यहाँ पे लिख लीजिए घंटे, 5 घंटे में, और यहाँ लिख लीजिए दूरी, 5 घंटे में कितना गई 150, 7 घंटे में कितना जाएगी x। अब देखते हैं 5 में 150 गई है तो 7 घंटे में दूर ज़्यादा जाएगी 5 के मुकाबले कम जाएगी, तो हम सोच सकते हैं साइंस की बातें 5 घंटे में 150 जा रही है तो 7 घंटे में रेलगाड़ी ज़्यादा ही जाएगी कम नहीं जाएगी, यानी कि ज़्यादा जाएगी, शब्द आ गया ज़्यादा, शब्द क्या आ गया ज़्यादा। तो इसमें देखेंगे हम ज़्यादा क्या, इसमें देखेंगे हम ज़्यादा, ज़्यादा है इसके अंदर 7, तो 7 की तरफ तीर लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना हमारा x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इसका तरीका ये होता है जिसकी तरफ तीर लगाए तो उसको ऊपर लिख दो, दूसरा x के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको ऊपर लिख दो, और जो बची भी है बचा हुआ क्या है हमारा 5, उसको ला कहाँ लिख देंगे नीचे 5 से डिवाइड करा, 5 किया 15 30 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से 21 210 किलोमीटर जाएगी दोस्तों, कितना जाएगी 210 किलोमीटर। सिंपल है, आप समझ भी रहे होंगे जब 5 में 150 जा रही है तो 7 में कितना जा रही है 210 किलोमीटर। ये मैंने आज आपको शुरुआत की एक एक नियम की, इसे मैंने आपको 3 प्रश्न करा दिए हैं। आप मेरा जो एक व्हाट्सएप चैनल है उस पर मेरे नंबर पर मैसेज करके 9675810081 पर मैसेज करके मुझे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, मैथमेटिक्स से तमाम सवाल इसको मैं कराएंगे, अगर आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आपको मुझे उसका स्कैन करके भेज सकते हैं, उसका मैं हल आपको देने की कोशिश करूँगा। और एक साइज है एक एक नियम की, कहीं से भी आप देख लीजिए किसी बुक्स में, तो मैंने आपको बुक्स सजेस्ट की थी उन किताबों मेरे इसी में वीडियो पढ़ी है, आप उन वीडियो में जाकर मैंने एक वीडियो डाली थी कौन सी सामग्री पढ़नी है, ये देख लीजिएगा तीसरी चौथी वीडियो मेरी थी कि कौन सी सामग्री पढ़नी, उसमें एक अरिहंत की या विद्या सॉरी अरिहंत की और एक शायद विद्या की किताब है उनमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे चैप्टर है उसमें एक नियम के सवाल आप बड़े अच्छे हैं, देख लीजिए उसको कर लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है ज्ञान विद सलमान करके, आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे भी ज्ञान विद सलमान करके मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, मुझे हाय हेलो लिख के भेजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार आदाब, जुड़े रहिए मेरे चैनल से, इस वीडियो का आनंद रहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े आपके लिए कार्य करने का। आदाब, नमस्कार, कल मिलते हैं, ओके बाय।